मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है और जैसा कि हर बार होता है हादसे होने के बाद कड़ी जांच का भरोसा और मुआवजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी फुटओवर हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पुलिस ने फुटओवर ब्रिज को लेकर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इस हादसे के बाद मुंबई की बाकी सार्वजनिक इमारतों की भी जांच होगी। ब्रिज हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था और उसमें कुछ सुझाव के साथ ये फिट पाया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये पुल गिर गया, जो कि ऑडिट पर बड़ा सवाल खड़े करती है। देखिए, अभी ये ऑडिट की प्रक्रिया ठीक नहीं थी, ये भी देखा जाएगा, और जो ऑडिट करते हैं वो अगर उसको फिट करार देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसमें अगर उन्होंने इस प्रकार का उसको फिट कहा है और माइनर रिपेयर्स वगैरह कुछ कहा है तो बहुत ही गलत बात है। और इसके ऊपर निश्चित रूप से, और ये ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान इससे लगा हुआ है, इसलिए अभी भी जो ऑडिट हुए हैं उनकी भी रिविजिट करना ये भी आवश्यक है, वो भी किया जाए। नहीं देखिए, अभी इसमें निश्चित रूप से पुलिस को भी मैंने आदेश दिया है कि इसमें किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। पुलिस ने एक FIR भी यहाँ पर दर्ज की है, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने के बाद जो प्रॉपर लोग होंगे उनके ऊपर FIR की जाएगी। तो मुंबई ब्रिज का हादसा हो गया और मुंबई ब्रिज हादसे के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जरा देखिए, पूरा ट्रीटमेंट जब तक वो हॉस्पिटल में है और इलाज है सारा सरकार बेयर करेगी। इंस्ट्रक्शन दिए कि प्रत्येक की जांच बराबर हो, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ तक कि दूसरे हॉस्पिटल से लेने की आवश्यकता हो तो दूसरे हॉस्पिटल के लिए हो, एक्सपर्ट के और बुलाने की आवश्यकता हो तो और लो, परंतु किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जावे। हुआ है बेसिकली क्या हुआ है उस बारे में जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए। जब हम देखते थे आते थे, हम भी बहुत बार वहाँ से आना जाना हमारा हुआ है, तो ब्रिज तो हमें लगा कि ये ब्रिज मजबूत है, बहुत ही मजबूत है, लेकिन क्या हादसा हुआ उस बारे में ज़रूर जांच होनी चाहिए।